जय हिंद एवरीवन माय नेम इज़ गगनदीप एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन अवर यूट्यूब चैनल नेम प्राउड एनसीसी आज की इस वीडियो में हम एनसीसी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपके एनसीसी सी के किसी भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है सबसे पहला और सबसे आसान और बेसिक क्वेश्चन है वाट इज द फॉर्म ऑफ एन तो सी की फुल फॉर्म होती है हमारी नेशनल कैडेट कोर ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं वेन वॉज दी एन फाउंडेड एनसीसी की स्थापना कब हुई ऑप्शन है 15 अगस्त उन्नीस सौ सैतालीस छब्बीस जनवरी 1950, 16 जुलाई 1948 या 1 अप्रैल 1935, 1 अप्रैल 1930। तो ऑप्शन सी जो है यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर है एनसीसी की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 16 जुलाई 1948 को 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ था और 26 जनवरी 1950 को हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसे अंगीकार किया गया था नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि वाट इज़ दी मोटो ऑफ एन एन तो सी का जो मोटो है वो है यूनिटी एंड डिसिप्लिन एकता और अनुशासन ये हमारा एन का मोटो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ध्यान रखना है आपको ये बताना है कि सर्विस बिफोर सेल्फ किसका मोटो है नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोट ए डिवीजन ऑफ द एन जब भी नोट आ जाता है तो नोट वाले क्वेश्चन को आपने बड़े ही ध्यान से देखना है इसमें हमको ये बताना है कि इनमें से एन की कौन सी डिवीजन नहीं है तो एनसीसी की तीन डिवीजन होती हैं आर्मी विंग नवल विंग और एयर विंग ठीक है तो पुलिस विंग अभी के लिए एनसीसी की डिवीजन नहीं है एनसीसी जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आती है उसकी तीन डिवीजन होती हैं आर्मी नेवी और एयर नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे हु इज द हेड ऑफ द एन एट द नेशनल लेवल एनसीसी का हेड कौन होता है नेशनल लेवल के ऊपर तो प्राइम मिनिस्टर डायरेक्टर जनरल ऑफ एनसीसी चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ या डिफेंस मिनिस्टर तो डी जी जिसे कि हम डायरेक्टर जनरल ऑफ एनसीसी के नाम से जानते हैं डी जी एन फुल फॉर्म भी कई आप कई बार आपके एग्जाम में आ जाती है तो डायरेक्टर जनरल ऑफ एन इज द हेड ऑफ द एन एट द नेशनल लेवल ये नॉर्मली जो है लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के होते हैं सामान्यतः है इस समय पर हमारे डी जी कौन हैं ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है नेक्स्ट क्वेश्चन वाट आर दी कलर ऑफ दी एन सी सी फ्लैग एन सी सी फ्लैग भी अपने इंडियन फ्लैग की तरह एक ट्राई कलर होता है लेकिन इसके कलर डिफरेंट होते हैं अपने इंडियन फ्लैग से और वे कौन कौन से कलर होते हैं वे होते हैं रेड एंड डार्क ब्लू और लाइट ब्लू अब इनका भी आ, इनका भी एक मतलब होता है रेड कलर का क्या मीनिंग है यहाँ पे रेड कलर आर्मी को रिप्रेजेंट करता है डार्क ब्लू कलर नेवी को रिप्रेजेंट करता है और लाइट ब्लू कलर एयर फोर्स को रिप्रेजेंट करता है तो ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ सकते हैं कि एनसीसी फ्लैग के अंदर रेड कलर किसे रिप्रेजेंट करता है तो आर्मी को रिप्रेजेंट करता है डार्क ब्लू कलर नेवी को रिप्रेजेंट करता है और लाइट ब्लू कलर एयर फोर्स को रिप्रेजेंट करता है विच ऑफ़ दी फॉलोइंग एक्टिविटी डू एन कैडेट पार्टिसिपेट इन एन के द्वारा कौन सी एक्टिविटी करवाई जाती हैं या फिर कौन सी एक्टिविटीज़ के अंदर एन के कैडेट्स पार्टिसिपेट करते हैं तो एडवेंचर ट्रेनिंग शूटिंग कम्युनिटी सर्विस ऑल ऑफ दी अबो तो ऑल ऑफ़ दी अबो इज़ द करेक्ट आंसर ये सारी की सारी एक्टिविटीज़ एनसीसी के द्वारा कंडक्ट करवाई जाती हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द हाईएस्ट सर्टिफिकेशन ऑफ एन एनसीसी कैडेट कैन रिसीव तो एनसीसी के अंदर तीन सर्टिफिकेट होते हैं ए सर्टिफिकेट बी सर्टिफिकेट और सी सर्टिफिकेट डी सर्टिफिकेट नाम का कोई सर्टिफिकेट नहीं होता तो सी सर्टिफिकेट जो है वो हाईएस्ट लेवल का सर्टिफिकेट होता है सबसे ज़्यादा वेटेज और सबसे ज़्यादा फ़ायदा हमको सी सर्टिफिकेट एनसीसी कैडेट्स को मिलता है नेक्स्ट क्वेश्चन एन सी सी कैडेट्स आर इन्वॉल्व इन विच ऑफ़ द फॉलोइंग सोशल सर्विस एक्टिविटीज़ तो ऑप्शन आपके दे रखे हैं ट्री प्लांटेशन ब्लड डोनेशन डिजास्टर रिलीफ ऑपरेशन या ऑल ऑफ द अबो तो ऑल ऑफ द अबो इज द करेक्ट आंसर ये सारी की सारी एक्टिविटीज या सोशल सर्विस जो है इनके अंदर एन सी सी कैडेट्स के द्वारा पार्टिसिपेट किया जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द एम ऑफ एन सी सी सो मोटो फैंसीसी यूनिटी एंड डिसिप्लिन और अगर एम ऑफ एनसीसी की बात करते हैं कि एन का क्या लक्ष्य है एन क्यों कराई जाती है टू डू डेवलप करेक्टर डिसिप्लिन लीडरशिप एंड सर्विस अमंग द यूथ तो ये सारी की सारी क्वालिटीज डेवलप करने के लिए क्या करवाया जाता है एन सी करवाई जाती है और ये एन का क्या होता है एम होता है तो आई होप ये क्वेश्चन की जो सीरीज है आपको अच्छी लग रही होगी इस सीरीज के अंदर हम हर हम हर दिन डेली शाम को सात बजे एन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं तो अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की और वीडियो आप देखें और आप अपनी एन के की नॉलेज को एनहांस करें तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं डेली इवनिंग में सेवन ओ आपको एन के टेन मल्टीपल क्वेश्चन मिलते रहेंगे तो इस तरह की और वीडियो के लिए जुड़े रहिए चैनल के साथ नेक्स्ट वीडियो तक जय हिंद जय चैह भारत थैंक यू वेरी मच